न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली ये लॉ आपको ये बताता है कि कोई भी चीज़ अगर ठंडी होती है तो कितने समय में वो अपने टेम्परेचर को डाउन करेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक हॉट बॉडी है, गर्म बॉडी है, चाय का कप है या कोई भी चीज़ है, उसको आप अगर ऊपर में रख दोगे तो अपने अंदर से हीट निकाल लेगी। जब वो हीट निकाल लेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो हीट लॉस करती जाएगी सराउंडिंग में, उसका टेम्परेचर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना टेम्परेचर डाउन होगा कितने समय में, ये लॉ आपको बताएगा। ठीक, तो लॉ एक्चुअल में ये बताता है, पहले तो इट स्टेट्स दैट, इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये आएगा आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट में, मेंस में और स्कूल के पेपर में पक्का आएगा, एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, आपने सारा लिखना है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कितनी हीट का लॉस हो रहा है पर सेकेंड, क्यू बाई टी, हीट अपॉन टाइम। तो कोई भी बॉडी पर सेकेंड हीट को लूज करती जा रही है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी बॉडी एंड सराउंडिंग। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर टी या सराउंडिंग का टी नॉट है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी माइनस टी नॉट। तो जितना बड़ा ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा, रेट ऑफ लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर चाय का कप मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे और बाहर 2 डिग्री सेल्सियस है, चाय बड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी, और अगर चाय का कप 45 पे बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है, चाय गर्म ही रहेगी, बहुत जल्दी ठंडी होने वाली है नहीं, सिंपल है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हीट लॉस भी उतना ज़्यादा होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। ऐसा ना हो कि आप एक टेम्परेचर लें 1000 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये लॉ नहीं लग पाएगा, मतलब सही रिजल्ट नहीं देगा। तो छोटे टेम्परेचर डिफरेंस में लगेगा, बड़ों में क्या लगेगा, वो आगे वाला लॉ लगेगा, स्टीफन लॉ लगता है, इसमें ये नहीं लगता। बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये चलता है। तो अब मैं जो मैथमेटिकल करने जा रहा हूँ, इसका प्रूफ नहीं है, ये इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखा गया है। कैसे, वो कहते हैं मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी विद नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है, हीट का लॉस है तो रेट नेगेटिव, हीट गेन होती तो रेट पॉजिटिव। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी बॉडी एंड दी सराउंडिंग। तो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का कितना है टी और सराउंडिंग का कितना है टी नॉट। तो ये डेफिनेशन है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगेगा के, अब के मटीरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये सभी मटेरियल के लिए सेम काम करेगा। के डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो आप इसे प्लीज बॉक्स में डालें, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला, ठीक है। अब वो कहता है मान लो जिस बॉडी को ठंडा करना है उसका मास है एम, उसका मास है एम, स्पेसिफिक हीट है सी। जब बॉडी अपने अंदर से हीट को लूज करेगी तो टेम्परेचर डिफरेंस डाउन आ जाएगा बाई डी टी, तो हीट लूज हो जाएगी, कितनी हीट लॉस होगा, डी क्यू इज एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह डी टी, डी टी चेंज इन टेम्परेचर है तो इतना डी क्यू हीट लॉस कर देगी वो, निकाल लिया। एक काम करो, दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दो डी टी डी टी, तो ये क्या आ गया डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आ गया एम सी डी टी बाई डी टी। एक काम करो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने भी यही बताया था, डी क्यू बाई डी टी यहां पे डी क्यू बाई डी टी की जगह ये पुट कर दो, डी क्यू बाई डी टी आपने निकाल लिया, ये टर्म यहां पुट कर दो, तो आपके पास ये टर्म आ गई, डी क्यू बाई डी टी की जगह एम सी डी टी बाई डी टी, तो ये टर्म आ गई। तो डी टी बाई डी टी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि जब बॉडी ठंडी होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो डाउन किस रेट से होगा, इस रेट से डाउन होगा। इसको बॉक्स में डालो, इसको बॉक्स में डालो एक बार, और क्वेश्चन आया हुआ ऑब्जेक्टिव इस पे कि दो बॉडीज हैं, एक की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, एक की स्पेसिफिक हीट कम है, तो उसका टेम्परेचर चेंज का जो रेट होगा किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसका चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर स्लो होगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। तो ये यहाँ तक आ गया, इस कांस्टेंट की जगह बड़ा के पुट कर लिया, न्यू कांस्टेंट, सब कांस्टेंट्स ही तो हैं।
तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को आप प्लीज ब्रैकेट में डाल लें, बॉक्स में डाल लें, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर. ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको इसमें यूज. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब इसके अंदर एक स्टेप और है, वैसे तो यहां तक भी काम चलता है बट आप आगे तक करके आएंगे अगर पेपर में आएगा, कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर वाली टर्म एक तरफ और बाकी टर्म इसमें एक तरफ. इसे अगर इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट, और इसकी क्या होगी माइनस के टी, और साथ में क्या लगेगा कॉन्स्टेंट सी. यहां पे ये लॉग वाली टर्म जब राइट पे जाएगी तो इसका जो बेस है वो यहां आ जाएगा और ये पूरी टर्म इसके ऊपर आ जाएगी, मैथ्स है, और टी नॉट राइट साइड पे चला गया तो ये टर्म आ गई. और इसको ब्रेक कर लिया ई की पावर सी इंटू ई की पावर माइनस के टी, क्योंकि पावर से एड होकर ये टर्म देंगी, इसकी जगह नया कॉन्स्टेंट, तो ये टी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आ गया इन टाइम टी. यहां तक बस मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर इस फॉर्म में नहीं आते, न्यूमेरिकल कैसे करने बताऊंगा, पर अगर थ्योरी अगर लिखनी है तो यहां तक लिखी जा सकती है थ्योरी, अगर पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. फिर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये ग्राफ मार्क करने को आ जाएगा कि ग्राफ प्लॉट करो, चेंज इन टेम्परेचर वर्सेज टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, चेंज इन टेम्परेचर वर्सेज टाइम का ग्राफ प्लॉट करो. तो चेंज इन टेम्परेचर ये रहा, टाइम ये रहा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ इसमें क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, ये याद रखना. और एक ग्राफ और आएगा, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ. अब अगर मैं ऊपर चलूं तो यहां पे अगर मैं ये इक्वेशन को देखूं जो बीच में इंटीग्रेट करके आई थी, मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है इसमें और टाइम का, तो इमेजिन करो ये वाई एक्सिस है इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैथ्स वाई लोग जानते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या बनेगी इसकी स्लोप. तो इसलिए ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप क्या है माइनस के. चाहे तो मेडिकल के लोग याद कर लेंगे ग्राफ, ऑब्जेक्टिव में आएगा सीधा मार्क कर लें, नॉन मेडिकल वालों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, कंपेयर किया विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक. इसके अंदर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर अब एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेंस में नीट में कई बार आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको देख लें इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है. तो फॉर्मूला है dT/dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज माइनस के टी माइनस टी नॉट, टी नॉट का मतलब बॉडी का टेम्परेचर. अब बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लो 60 डिग्री से 40 डिग्री हो रहा है, कोई बॉडी ठंडी हो रही है, इसलिए यहां पर हम क्या लेते हैं एवरेज टेम्परेचर, क्योंकि हर वक्त का टेम्परेचर तो लिया नहीं जा सकता. टी नॉट का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, डी टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और ये टाइम. क्वेश्चन आएगा कि मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, एक चाय का कप है 60 डिग्री पे है और वो 40 डिग्री पे आ गया 7 मिनट में, तो बताओ अगले 7 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा. तो जब भी क्वेश्चन टेम्परेचर का वर्सेस टाइम का होगा तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा. तो फॉर्मूला लगाएं, केस नंबर वन, डी टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या बनेगा 60 माइनस 40, डी टी का मतलब टाइम 7 मिनट इज इक्वल टू माइनस ए, टी का मतलब एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या है 60 प्लस 40 बाय 2, और टी नॉट का मतलब है सराउंडिंग का टेम्परेचर, फर्स्ट इक्वेशन. फिर दूसरी इक्वेशन, 40 माइनस टी चेंज इन टेम्परेचर 7 मिनट में, एवरेज टेम्परेचर 40 प्लस t/2 और सराउंडिंग का 10, इन दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस. ये बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका है इस फॉर्मूले को यूज करने का, दो केस बनाओ सॉल्व करके आंसर आएगा. नीट वालों का एनसीईआरटी का काम तो यहीं खत्म हो जाता है, मेंस वालों को हो सकता है अगली टेक्निक भी सीखनी पड़े, नॉट फॉर स्कूल, वैसे यहीं तक काम चल जाता है, पर कभी कभी उनको रिजल्ट एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन होता है, तो वो देख लें प्लीज. मेथड नंबर टू, सेम क्वेश्चन को करने का सेकेंड मेथड, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हमने ये स्टेप किया था, जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की थ्योरी थी याद करो, ये थ्योरी थी, यहां से ये स्टेप आया था, तो यही स्टेप मैंने यहां पे लिख लिया. ये देखो, बस इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी का टेम्परेचर टी1 था और टी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर टी2 हो गया,
तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट, और यहाँ पर टी टी की इंटीग्रेशन टी माइनस जीरो टी हो जाएगी। टी की जगह एक बार अपर लिमिट टी टू, टी की जगह एक बार लोअर लिमिट टी वन, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये माइनस टर्म को प्लस बना लिया तो ये टर्म आगे आ गई, ये टर्म पीछे आ गई। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, लॉग के टर्म राइट पे जाएगी तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर के टी। ये फॉर्मूला नॉन मेडिकल वालों को किसी ऑब्जेक्टिव में एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। तो ऐसा कुछ इसको यूज कैसे करना है, पहले केस में चाय का कप का टेम्परेचर 60 था और बाद में कितना हो गया 40। टी वन पता है, टी टू पता है, टी नॉट पता है और टाइम पता है। पुट कर दो, टी वन पता है, टी नॉट पता है, टी टू पता है, टी नॉट पता है और टाइम पता है, इक्वेशन नंबर वन। फिर दूसरे केस में टी वन कितना है 40 और टी टू निकालना है, फिर टाइम पता है, तो 40 माइनस 10, टी माइनस 10 और टाइम पता है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मैथ्स वालों को सॉल्व करके आंसर सेम ही आएगा। वो अलग बात है कि अगर आपको ऑप्शन गिवन है कोई भी मेथड तो मेथड वन ही यूज करेंगे, पर अगर आपको मेंस वालों को स्पेशली कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा ना देते हुए ऐसे फॉर्म में कोई ऑब्जेक्टिव दे दे, फिर आपको ये मेथड आपको देखना पड़ेगा कि लिमिट्स कैसे लगी हुई हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, मेंस वाले में आएगा, नीट वालों में तो आता नहीं, नीट वालों तो आया हुआ है, फर्स्ट मेथड से काम चल जाएगा।